कोरोना वायरस को लेकर जो सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है वह सामने आ रही है भारत की तरफ से। जी हां, आपको बता दें कि पूरी दुनिया में कई सारे ऐसे कंपनी हैं जो कोरोना वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी किसी को कामयाबी अपने हाथ नहीं लगी है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि हाल ही में भारत की पतंजलि कंपनी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि पतंजलि जो है कोरोना वायरस की दवाई बना ली है, जिनमें दोस्तों पतंजलि की तरफ से सबसे पहले तो यह दावा किया गया था कि हमारा जो कंपनी है सबसे पहले 50 आदमी के ऊपर इसका टेस्ट किया था, जिनमें रिजल्ट बिल्कुल एकदम अच्छी आई थी। इसके बाद दोस्तों 100 पॉजिटिव लोगों के ऊपर इसकी टेस्ट हुई, जहां पर यह दवाई बिल्कुल काम करते हुए नज़र आए और कोरोना वैक्सीन की दवाई जो है अब मार्केट में मिलने लगे है, कई सारे दुकानों पर मिलने लगे है। और ऐसे में आप जानना ज़रूर चाहेंगे कि मार्केट में कितने रुपए में ये वैक्सीन आपको मिल जाएंगे, कौन कौन से दुकानों पर मिल जाएंगे और क्या सही में इस दवाई से कोरोना वायरस की इलाज पूरी तरह से हो जाएंगे कि नहीं। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि पतंजलि की तरफ से जो दवाई बनाया गया है उस वैक्सीन का नाम कोरोनील बताया जा रहा है और कंपनी की सीईओ ने कहा कि हमने सबसे पहले 50 मरीजों के ऊपर इस दवा का प्रयोग किए थे, जहां पर सारे मरीज जो है ठीक होते हुए नजर आए थे, जिसके बाद हमने 100 मरीजों के ऊपर इसका प्रयोग किया था, जहां पर बिल्कुल सभी मरीज जहां पर ठीक होते हुए नज़र आए थे। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि यह एक ऐसी दवा है जो सबूत के आधार पर तैयार की गई है। तो आपको बता दें कि कंपनी की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि यह दवाई हमने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने मिलकर तैयार किया है और इस दवा को बनाने के लिए लगभग 500 डॉक्टरों की तरफ से लगातार कोशिश की गई है, जिसके बाद जो है इस नतीजा पर आया है। हालांकि कोरोना वायरस की यह कोरोनील नामक दवा एक आयुर्वेदिक दवा है, जहां पर इस दवा में सिर्फ देसी सामान मिलाया गया है। ऐसे में आप पूछना ज़रूर चाहेंगे कि आखिर इस दवा की कीमत कितना है, यानी मार्केट में आपको कितने रुपये में यह दवाई मिल जाएंगे। तो आपको बता दें कि कोरोना टेस्ट जहाँ काफ़ी महंगा हो रहा है, वहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बाबा रामदेव की पतंजलि कोरोना की जो दवा है वो कितने में लोगों को मिलेंगे। हालांकि बाबा रामदेव ने बताया कि पतंजलि स्टोर पर यह दवा तकरीबन 600 रुपये में आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही बाबा रामदेव ने कहा है कि जो गरीब और आर्थिक रूप से 600 रुपये खर्च करने में सक्षम नहीं होंगे, उन तक यह दवा फ्री में पहुँचाने पर भी विचार किया जा रहा है और इसमें 3 तरह की दवा मिलेगी। ऐसे में आप पूछना ज़रूर चाहेंगे कि आखिर इस दवा को ख़रीदने के लिए किस तरह से उसको यूज़ करना है। तो आपको बता दें कि जो 3 तरह की दवा दी जाएगी, जिसमें जो तेल दी जाएगी वो आपको बता दें कि 3 बूंद नाक में डाला जाएगा सुबह को, उसके बाद खाली पेट में टैबलेट दी जाएगी, वही खाने के बाद मरीजों को कोरोनील टैबलेट भी दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि दवाई खाने के बाद आखिर मरीजों को कितने दिन में ठीक हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि पतंजलि ने दावा किया है कि इस दवा को लेकर 100 लोगों पर जो टेस्ट की गई है उसमें 3 दिन के अंदर 69% मरीज रिकवर कर गए, वही 7 दिन के अंदर 100% मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा।